केएल राहुल आरसीबी ज्वाइन करने वाले हैं, उसके साथ मयंक यादव भी लखनऊ सुपर जायंट से बाहर चला जाएगा। आईपीएल 2025 के ऑक्शन को और कुछ ही महीना बाकी है, उससे पहले सारे फ्रेंचाइजीज अपने रिटेंशन लिस्ट जो है वो पब्लिश करने वाले हैं। रिटेंशन लिस्ट में 3+1 का फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, जहाँ पे 3 रिटेंशन और 1 आरटीएम कार्ड आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट पे नहीं खेलते तो कौन से 4 खिलाड़ी होंगे जो केएल राहुल के बदले में एलएसजी रिटेन करना चाहेगा? तो नंबर 1 पे है कृणाल पांड्या। आईपीएल में सभी फ्रेंचाइजीज यही चाहता है कि एक इंडियन कैप्टन हो। पिछले 2 साल में केएल राहुल के एब्सेंस में कृणाल पांड्या ने बहुत अच्छे से टीम को संभाला है और लास्ट 2 साल में कृणाल पांड्या का उनके फ्रेंचाइजीज के लिए परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा है। नंबर 2 पे है निकोलस पुरन। T20 क्रिकेट में अगर आपको सबसे अच्छा विकेट कीपर बैटर चाहिए तो निकोलस पुरन वही बंदा है। 2022 से निकोलस पुरन का जो T20 इंटरनेशनल में एवरेज है वो है 50+ का, वो भी 150 के स्ट्राइक रेट से। और सिर्फ एज ए प्लेयर ही नहीं, एज ए कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्टेंडर बनता है। नंबर 3 पे है ऑस्ट्रेलिया का स्टार ऑलराउंडर मार्क्यूस स्टॉइनिस, जिसने पिछले 2 साल से इस फ्रेंचाइजी के लिए बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। नए बॉल से बॉलिंग से लेकर डेथ ओवर में बॉलिंग, ओपनिंग से लेकर मैच को फिनिश तक एक प्रॉपर ऑलराउंडर मार्क्यूस स्टॉइनिस के रूप में मिल जाएगा एलएसजी को। नंबर 4 पे है इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट T20 स्पिनर रवि बिश्नोई। इस फ्रेंचाइजी का अगर तुरुप का इक्का रहा है कोई बॉलिंग अटैक में तो रवि बिश्नोई उनमें से एक है। पावर प्ले में बॉलिंग से लेकर डेथ ओवर में हर जगह पे फिट हो जाता है और 8-9 नंबर पे एक हैंडी बैटर के रूप में भी साबित होता है। सिर्फ आईपीएल में ही नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बहुत ही इफेक्टफुल एक स्पिनर है। और एक जो एक्स्ट्रा नाम है वो है मयंक यादव। पिछले सीजन 2-3 मैच ही खेला है और उस 2-3 मैच में जो इंपैक्ट क्रिएट किया है वही बहुत है रिटेंशन के लिए। अब अगर केएल राहुल को रिटेन करता है तो इनमें से फर्स्ट 3 नाम को ही आप देख पाओगे आरटीएम और रिटेंशन लिस्ट में। पर अकॉर्डिंग टू न्यूज एंड रूमर्स, केएल राहुल आरसीबी ज्वाइन करने जा रहा है।